हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग qapedia.com। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टर्म्स या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी। स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टर्म्स। सो ऐसी बहुत सारी टेस्टिंग टर्म्स होती हैं जो कि हमें पता चलती है जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग टर्म्स की लिस्ट बनाने वाले हैं इस सेशन में, और इन सारे के सारे टेस्टिंग टर्म्स को हम हमारे आने वाले सेशंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग टर्म इस लिस्ट में मिसिंग है तो आप हमें बता सकते हैं, उसके बाद वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर टेस्टिंग टर्म के बारे में बता सकते हैं कि वो मिसिंग है। तो कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टर्म्स, तो हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टर्म्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है, तो हमने उसे डिवाइड किया हुआ है कुछ इन कैटेगरीज में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक, और फिर एग्जाम्पल ऑफ SDLC मॉडल या टाइप ऑफ SDLC मॉडल। तो सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट कैटेगरी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें पता चलते हैं जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो टेस्टिंग टीम प्रिपेयर करती है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो टेस्टिंग टीम के लिए प्रिपेयर होते हैं। सो जब वो टेस्टिंग टीम के लिए प्रिपेयर होते हैं तो टेस्टिंग टीम उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करती है सो दैट वो टेस्ट केस लिख सकें या अपने आगे के काम कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिंग टीम को एनालाइज करने पड़ते हैं फ्यू डॉक्यूमेंट, और कुछ डॉक्यूमेंट्स टेस्टिंग टीम को प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दो टाइप के डॉक्यूमेंट हुए, एक जो टेस्टिंग टीम प्रिपेयर करती है और एक जो टेस्टिंग टीम एनालाइज करती है। सो यहाँ पर एक लिस्ट है उन सारे सारे डॉक्यूमेंट्स की, रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बिजनेस टीम प्रिपेयर करती है, ये टेस्टिंग टीम प्रिपेयर नहीं करती, टेस्टिंग टीम इनको एनालाइज करती है। फिर टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, ये टेस्टिंग टीम प्रिपेयर करती है। टेस्ट स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, टेस्टिंग टीम प्रिपेयर करती है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट बेसिकली टेस्ट मैनेजर प्रिपेयर करता है। देन टेस्ट सिनारियोस, टेस्टिंग टीम प्रिपेयर करती है। टेस्ट केसेस, ये भी टेस्टिंग टीम प्रिपेयर करती है, टेस्ट केस राइटिंग का काम। टेस्ट सिनारियो जनरली QA लीड का काम होता है, और टेस्ट केस राइटिंग जनरली टीम मेंबर्स का काम होता है। रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स भी टेस्टिंग टीम प्रिपेयर करती है। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन टेस्टिंग टीम करती है। डिफेक्ट एंड डिफेक्ट समरी रिपोर्ट, तो डिफेक्ट एंड डिफेक्ट समरी रिपोर्ट भी टेस्टिंग टीम प्रिपेयर करती है, और टेस्ट क्लोजर डॉक्यूमेंट भी टेस्टिंग टीम प्रिपेयर करती है। फिर आते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे। तो जो सेकंड कैटेगरी है वो है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऐसी बहुत सारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है जिनको हम सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं, फिर से और ज़्यादा कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम केवल लिस्ट आउट करने वाले हैं ऑल द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग। जो भी इंपॉर्टेंट नेम्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग के, उसको हम लिस्ट आउट करने वाले हैं। सो हेयर इज द लिस्ट, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, स्मोक वर्सेस सैनिटी टेस्टिंग, रेग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, पॉजिटिव टेस्टिंग और नेगेटिव टेस्टिंग। सो ये कुछ टेस्टिंग्स हैं जो हमें प्रिपेयर करनी होती है। देन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, सो देर ऐसी कुछ लाइफ साइकिल्स हैं जो हमें पता चलती है जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, देन डिफेक्ट लाइफ साइकिल, देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल। सो जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं उस टाइम पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें हमेशा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इफेक्टिवली नहीं कर सकते हैं अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स का ध्यान ना रखें तो। तो यहाँ पर एक लिस्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स की। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, अर्ली टेस्टिंग, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। फिर आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल से ही डिराइव हुई है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक को हम टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक भी कहते हैं।
क्योंकि हम इन टेक्निक्स का यूज़ तब करते हैं जब हम टेस्ट केस डिज़ाइन करते हैं या टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक की: बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग, स्टेट ट्रांजिशन, एरर गैसिंग। उसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑफ एसडीएलसी मॉडल या टाइप ऑफ एसडीएलसी मॉडल। एसडीएलसी जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एब्रीविएशन है, और एसडीएलसी एक मेथडोलॉजी या एक फ्रेमवर्क होता है, और इस फ्रेमवर्क को डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स इम्प्लीमेंट करते हैं, और उन सारे मॉडल्स को हम कहते हैं एसडीएलसी मॉडल। तो एक लिस्ट है एसडीएलसी मॉडल की: वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, एजाइल मॉडल एंड डेवऑप्स मॉडल। सो ये एक पूरा सेशन था जिसमें हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया। तो इस सेशन में इतना ही, और अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जाके इस सेशन के नोट्स ले सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट्स इट फॉर दिस सेशन।